फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्यामराम स्टूडियो। मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ एक नेपाली सॉन्ग पे। ये गाना का नाम है ये है माया और इस गाना को गाया है मलीना राय ने और सरोज ओली ने। तो इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकता है। और ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है नेपाली सॉन्ग पे। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर म बरु घरमै क्वारेन्टाइनको सबै नियम पालना गरेर बस्छु नि। यो पनि घरै त हो नि। एकछिन दूरी कायम गर्नुस्। कोरोना मेसेज दूरी हेर्नुस्। तपाईँ अहिले घर जानुभयो भने के थाहा तपाईँको सबै परिवारलाई यो रोग सर्न सक्छ। अब केही दिन त हो नि। त्यही त म छु, हामी छौँ होइन डाक्टर साहब। ए तेरो काम पनि मैले गरिदिनु पर्ने हो। एक्टर भी बहुत खूबसूरत है और हीरोइन भी मस्त है। मतलब थोड़ा थोड़ा नेपाली समझ में आता है तो मैं ट्राई करूंगी इधर क्या बोल रहा है मैं आपको बोलने के लिए। ए हाय माया तिम्रो बोली सुनेर, ए हाय माया आको म त दौडेर, ए हाय माया तिम्रो बोली सुनेर, ए हाय माया आको म त दौडेर, तिम्रो तस्बिर हिट भइसक्यो, रातो दिन तिमीलाई सम्झिँदा सम्झिँदै, यो मनमा तिम्रो नाम फिट भइसक्यो, रातो दिन तिमीलाई सम्झिँदा सम्झिँदै, यो मनमा तिम्रो नाम फिट भइसक्यो। लोकेशन बहुत खूबसूरत है यार। सुन जाने कसी भाग्य लेख्ने मसी, मन का कुरा खोलौला चौतारीमा बसी, सधैं त्यसै भन्छौ भेट्ने हैन फेर, कति चोटि फर्किए चौतारी पुगेर, सुन जाने कसी भाग्य लेख्ने मसी, मन का कुरा खोलौला चौतारीमा बसी, सधैं त्यसै भन्छौ भेट्ने हैनौ हेर, कति चोटि फर्किए चौतारी पुगेर, ए है माया तिम्रो पछि लागको छु, ए है नेपालीका जो कल्चरल प्रेसम वर्डन चलाको छु, यी आँखामा तिम्रो तस्बिर हिट भइसक्यो, यो आँखामा मतलब इन्डिसाइज या इस आँख में लोकेशन यार बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन कर रहा है। बरखा मास को झरी पानी दर दरी, तिम्रे काख मा बस्न पायो सधैं यसै गरी, घाम लागे पछि कति राम्रो दिन, आउ
न अली छेवै माला जमान्छौ किन रातो दिन तिमीलाई सम्झिदा सम्झिँदै यो मनमा तिम्रो नाम फिट भइसक्यो दोनों सिंगर थे शायद मतलब मलीना राय और सरोज जोशी बहुत अच्छा गाना है माया ममता र स्नेहले रोगसँग लड्न सघाउँछ ज्यानमा परेको प्रभावलाई राहत दिलाउँछ रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ सचेत बनाऊ जीवन रक्षाका लागि सरकारको निर्देशन पालना गरौँ त्यसैले घृणा होइन माया बाँडौँ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा साथ में जो वो मैसेज देना चाह रहे थे लाइक मुझे ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगा इवन स्टार्टिंग में भी इतना अच्छा से वो किया गया है लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर मतलब करके रखने के लिए बोला गया है और इस गाने का जो लोकेशन था यार बोलो ही मत कि मैं कितना तारीफ करूँ यार कोई इस लोकेशन को अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है बहुत जाने का मन कर रहा है अगर मैं उस तरफ से मीन्स लाइक लोकेशन अगर नेपाल में है अगर मैं नेपाल में गई मैं ट्राई करूँगी उस जगह पे जाने के लिए घूमने के लिए यार मुझे तो बहुत अच्छा मतलब बहुत मज़ा आया और साथ ही जो लिरिक्स था हाँ मुझे नेपाल थोड़ा थोड़ा समझ में आता है लाइक आया था लेकिन बोल नहीं पाता हूँ मतलब आई कैन स्पीक नेपाली बट आई डू अंडरस्टैंड लिटिल लिटिल मीन्स व्हाट टू से आई लव इट मैन दिस सॉन्ग इज अमेजिंग यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा लिरिक्स भी बहुत अच्छा और इवन द सिंगर्स वॉइस क्या बोलूँ यार इतना अच्छा लगा साथ में जो कोरियोग्राफ अरे यार कोरियोग्राफ का तो मैं भूल ही गया कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छा था बहुत सुंदर था लाइक यू नो मुझे सब कुछ अच्छा लगा इस गाने पे फ्रॉम यू नो और कॉस्ट्यूम जो नेपाली का जो कल्चरल ड्रेस होता है ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक और उसका जो कलर होता है वो भी मतलब जो उन लोग का जो एक कलर होता है ना नेपाली का जो कल्चर ड्रेस में जो एक कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाकी इस गाने में मुझे सब कुछ अच्छा लगा और मैंने पहले ही बोला है इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप जाके देख सकता है आप एंजॉय कर सकते हैं बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तो दोस्तों आज का वीडियो था इतना ही अगर इस चैनल का वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो दोस्तों थैंक यू एंड देखने के लिए